ट्रेन की डायग्राम है उसमें, वही जो हमने पहले किया था, ठीक है। तो उसी के बारे में था डायग्राम कि मतलब उसमें फोर ब्रेन की पोजीशन, हाइंड ब्रेन की और मिड ब्रेन की सारी पोजीशन जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी अगर आप डायग्राम देखोगे तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, दैट्स व्हाई। फिर देखिए, अब हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ रहे थे ना कल, थोड़ा सा मैंने न्यूरॉन्स के बारे में बताया था, नर्व इम्पल्स कैसे जाती है ना। सो उसका मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा डायग्राम बन जाए। अब नर्व सेल, न्यूरॉन आपने देखा है, न्यूरॉन होता क्या है पहले तो, न्यूरॉन व्हाट इज न्यूरॉन? तो न्यूरॉन जो है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन, ठीक है। ये कई बार आ जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, सो यू ऑल शुड हैव टू नो अबाउट दिस, ठीक है। सो द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब न्यूरॉन जो होता है इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। न्यूरोन इज ऑल्सो अ लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ओके। इट इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ओके। एंड न्यूरोन हैज टू मेन कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। न्यूरोन के दो मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, होती वो पूरी एक ही सेल है, ठीक है, लेकिन इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं? एक्सोन एंड साइटोन, एंड साइटोन, ओके, एक्सोन एंड साइटोन, ठीक है। अब देखिए, जो साइटोन होता है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स, ठीक है। आगे इसके डेंड्राइट्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है बीच में, ठीक है। तो वो जो होता है वो साइटोन होता है, ठीक है, जिसमें अभी मैं डायग्राम वैसे बना दूंगी आपके लिए, लेकिन पहले समझ लो कि क्या बात है, मतलब क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और जो एक्सोन होता है दैट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ साइटोन हैविंग मेडुलरी शीथ, ठीक है, उसके अराउंड मेडुलरी शीथ लगी होती है और नोड्स ऑफ रणवीर भी, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू मेक द डायग्राम हियर। सो ये देखिए यहाँ पर क्या होती है, ऐसे करके ये साइटोन की मैं डायग्राम बना रही हूँ। यस, ओके, हाँ मैं कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, दीज आर द डेंड्राइट्स। और ये बीच में सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और यहाँ पर छोटे छोटे से ऐसे करके ये सेंटर में है, ठीक है, न्यूक्लियस शुड बी विल बी इन द सेंटर, है ना। और ये छोटे छोटे से जो डॉट्स होते हैं ये निसल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और देखिए, अब ये जो साइटोन है ये यहाँ से ऐसे करके बिल्कुल पतली सी डायग्राम होती है नीचे तक, ठीक है। और नीचे फिर वो साइनेप्स बनाने के लिए जो एक्सोन की नो एंडिंग्स हैं वो होंगी, ठीक है, उनको मैं अलग से शो कर दूंगी बेशक। बट और इसके अराउंड एक शीट होती है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से अगली शीट स्टार्ट होती है, ओके। और ये जो बीच में एक कंस्ट्रिक्शन सी बनती है, दिस इज द नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं इसको, ठीक है, नोड ऑफ रणवीर, ये जो यहाँ पर है, ठीक है, नोड ऑफ रणवीर, ठीक है। और ये जो शीत होती है वो है ये साइडो में जो है, ठीक है, दिस इज द मेडुलरी शीत, ठीक है। ये आपको डायग्राम जो है वो मैंने सेंड करा दूंगी, ठीक है। तो उसमें पूरा आप ध्यान से देख लेना, उसमें नेमिंग वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो देखिए,
जो साइटोन, ये दिस इज द साइटोन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये साइटोन है, और इससे नीचे वाला जो होगा वो एक्सोन होगा, ठीक है, एक्सोन, और ये साइटोन है, साइटोन। ओके, अब देखिए साइटोन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है एट द सेंटर, ठीक है, और ये जो साइडों में ये लाइनें लाइनें सी लगी हुई है ना, ये डेंड्रोन्स है, ठीक है, और इनके जो आगे छोटी छोटी पतली बारीक सी लाइनें हैं वो क्या हैं, वो होती हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और बीच में जो ये डॉट्स मैं बता रही थी आपको कि ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, तो ये जो डॉट्स हैं ये क्या होते हैं, दीज आर द निजल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और इस पूरे के पूरे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोन, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट एक्सोन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये कंटिन्यू है सेल, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, ये कंटिन्यू होती है सेल, यहाँ से आगे को ये एक्सोन इसका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और एक्सोन के अराउंड जो है वो ये शीथ प्रेजेंट होती है एक, ठीक है, और इसको मेडुलरी शीथ बोलते हैं, और दो शीथ के बीच में ये बीच में एक गैप सा बनता है, ठीक है, तो उस उसको क्या बोले कि नोड सी बनती है, ठीक है, तो उसको नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं या नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें काम कैसे होता है, मतलब इसे कैसे करके इम्पल्स जो है वो जाती है, मैसेज कैसे ट्रेवल करता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया तो आपको खैर इससे हो भी गया होगा, और बाकी जब आप डायग्राम खुद देखोगे ना तो हो जाएगा, और इनको आपने ध्यान से समझना है, थोड़ा थोड़ा सा टफ पोर्शन होता है ये, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अच्छा देखिए अब ऊपर का जो पोर्शन है वो तो मैंने बना दिया था ना, अब मैं नीचे से बताती हूँ कि ये नीचे से कैसे होता है। ये नीचे से ऐसे करके होगी इसकी शेप, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके आगे इसकी ब्रांचिंग होती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है ये, यस, ऐसे करके जो है ये सारी की सारी ब्रांचेस होती हैं आगे छोटी छोटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर साइनेप्स बनेगा, ठीक है, और यहाँ से ये जो साइनेप्स है यहाँ पर डेंड्राइट, अगला वाला जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होंगे, ठीक है, और नीचे को सेल बॉडी साइटोन आ जाएगा, फिर से साइटोन और फिर नीचे को एक्सोन, ठीक है। ये मतलब ये जो बीच में पोर्शन बना इसको साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। इससे ये नर्व्स को मतलब यहाँ से मैसेज को ट्रांसफर करेगा इस साइनेप्स के थ्रू, ठीक है, और अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर कर देगा, और ये बिल्कुल माइक्रोसेकंड्स में होता है ये काम, इतनी फास्ट होता है ये काम, ठीक है। तो देखिए अब ये जो स्टिमुलस इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप, ये डेंड्राइट्स की जो टिप होती है ये इस साइड में जो है ना, दिस इज ये डेंड्राइट्स की टिप होती है, ठीक है, तो इसमें ये नर्व सेल्स की, ठीक है, और यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, इट्स दैट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन व्हिच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह एक इसमें मतलब इस केमिकल रिएक्शन में क्रिएट होती है एक इम्पल्स, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, ठीक है, ये जो सेल बॉडी मतलब जो साइटोन होता है उसमें ट्रांसफर करती है, ठीक है, एंड देन अलोंग टू द एक्सोन टू इट्स एंड, तो फिर उसके एंड तक पहुंच जाती है, ठीक है, और ऐसे ही अगले वाले डेंड्राइट की जो इसकी एक्सोन की एंडिंग है ना, वहां से अगले वाला डेंड्राइट शुरू हो जाएगा अगले न्यूरोन का, ठीक है, फिर वहां के थ्रू जो है वो नर्व इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होगी नर्व की वो होगी, ठीक है, इम्पल्स जाएगी अगले न्यूरोन में, ठीक है, ऐसे करके मतलब बहुत से न्यूरोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि इस काम में लगे होते हैं, तो ऐसे करके हमारे ब्रेन तक ये मैसेज जो है वो जाता है किसी भी चीज का, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ एक्सोन इट रिलीजेज न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स लगे होते हैं ना एक्सोन के एंड में, ठीक है, विच क्रॉस द गैप ऑफ साइनेप्स, जो साइनेप्स बना ना, ये जो साइनेप्स बना हुआ है इस साइनेप्स को क्रॉस करते हैं वो, एंड स्टार्ट द सेम इम्पल्स इन द
कंसिक्यूटिव नेक्स्ट न्यूरोन, ठीक है, ये नीचे जो है, नीचे नेक्स्ट न्यूरोन जो है वो टच हो जाता है, फिर उसमें ये इंपल्स जो है केमिकल रिएक्शन होगा यहाँ पे, इसमें साइनेप्स जो बनता है उसमें, ठीक है, और जो नर्व इंपल्स जो है वो अगले वाले न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है ये मैसेज जो है वो जाता है। अब देखिए रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन वही होता है कि देखिए रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, देखिए रिफ्लेक्स एक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट, ठीक है, या तो सिग्नल या कोई भी इनपुट को डिटेक्ट करना, ठीक है, एंड रिस्पोंडिंग रिस्पोंड करना उसको, ठीक है, टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन, ठीक है। जैसे किसी को जैसे कोई हम किसी गर्म चीज को टच कर लें, ठीक है, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है कि हमारे हम जैसे आ कर देते हैं या मतलब हम पीछे हट जाते हैं ना, तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ और रिस्पॉन्स क्या हुआ अभी, ये आपने किसी चीज सिग्नल को डिटेक्ट किया, मीन्स आपने हीट को टच किया, फिर जो आपका रिएक्शन हुआ तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे, ठीक है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पोंडिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन, ठीक है, विच माइट बी कंप्लीटेड क्विकली, ठीक है, बहुत जल्दी होता है इसको, हम सोचने में हमें नहीं लगता कि हम सोच रहे हैं इसको, वो इमिडिएटली हो जाता है, ठीक है, तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। द कनेक्शन बिटवीन इनपुट नर्व विच डिटेक्ट द सिग्नल एंड आउटपुट नर्व विच रिस्पोंड टूवर्ड्स द सिग्नल इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सर्कल बना तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर ये रिफ्लेक्स सेक्शन हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम हॉर्मोन्स के बारे में या एंडोक्राइन के बारे में, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, ओके, एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखिए ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसका मैंने डायग्राम आपको भेजा हुआ है, मतलब देख लेना कि मतलब क्या क्या पोजीशंस होती हैं ग्लैंड्स की, ठीक है। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस है ना, विच आर सिक्रेटेड बाय सर्टेन ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, दीज आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या डेफिनेशन, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं जिनको सिक्रीट करते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो मतलब द हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीटेड बाय सर्टेन ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में ही एक्रीट मतलब रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इट इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस से, ठीक
ठीक है, हाइपो थैलेमस, थैले मस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते कौन कौन से हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, देन पीनल बॉडीज, पीनल बॉडीज, ठीक है, पीनियल बॉडीज, ठीक है, पीनियल बॉडीज और थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड, ग्लैंड, ठीक है, और इसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड, पैरा थायराइड ग्लैंड्स, ग्लैंड्स, ठीक है, उसके थाइमस ग्लैंड्स, ओके, थाइमस ग्लैंड्स, थाइमस थाइमस ग्लैंड्स, ठीक है, थाइमस ग्लैंड्स, फिर एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टीज, ये सारे के सारे मैंने डायग्राम बताई हुई है आपको, उसमें सारे के सारे आपको लग जाएगा पता, ठीक है, उनको देख लेना ध्यान से। आप देखिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, इट सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड होते कहाँ पे है, ये ब्रेन में होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन में, ठीक है। देन आफ्टर दैट थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट करता है, ठीक है, एंड इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, देन फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एंड प्रोवाइड अ बैलेंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है। देन आफ्टर दैट पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन सीक्रेट करता है, ठीक है, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर, ठीक है, और उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, ये मेन मेन जो ग्लैंड होते हैं, ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इट सीक्रेट्स एड्रिनलिन, ठीक है, एंड इट इंक्रीजेस हार्ट बीट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज, ठीक है। तो ये जो मेन ग्लैंड है उनके बारे में हो गया। अब देखिए जो लोकल हॉर्मोन होता है वो कौन कौन से होते हैं, लोकल हॉर्मोन, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, कौन सा, इन चारों को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, फर्स्ट विच सीक्रेट्स ग्रोथ हॉर्मोन्स, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, हमारे ब्रेन में होता है, ये सारी पोजीशंस वगैरह सारी ये डायग्राम में आपको दिख जाएंगी, जो आपको स्वाति मैम भेज देंगे ना पीडीएफ, ठीक है। फिर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, ठीक है, एंड इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एंड प्रोवाइड अ बैलेंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, और ये ग्रोथ का बैलेंस जो है वो प्रोवाइड कराता है थायराइड ग्लैंड जो है, ठीक है। अब देखिए जो पेनक्रियाज होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, ठीक है, और जो इंसुलिन होता है इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर, ठीक है, ब्लड शुगर को ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में, ठीक है। देन आफ्टर दैट एड्रीनलिन ग्लैंड, इट सीक्रेट्स एड्रीनलिन, ठीक है, इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड द स्मॉल आर्टरीज। देन आफ्टर दैट लोकल हॉर्मोन्स, वट आर द लोकल हॉर्मोन्स, मीन्स लोकल हॉर्मोन्स जो होते हैं दे सिक्रीटेड एट वन प्लेस एंड वर्क अपॉन द एडजेसेंट टिश्यूज, ठीक है, वो कहीं और पे रिलीज होते हैं लेकिन काम कहीं और पे करते हैं वो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिस्टामिन हो गया, एसिटाइल कोलिन हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे लोकल हॉर्मोन्स होते हैं। देन आफ्टर दैट देखो जो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है वो कौन है, वो है थॉमस, TH OMAS, थॉमस एडिसन, एडिसन,
थॉमस एडिसन इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, थॉमस TH OM ES, थॉमस एडिसन EDDISON, ठीक है, ही इज द फादर ऑफ एंडो क्राइनोलॉजी, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी के फादर बोला जाता है। और उसके बाद देखो, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को की जो पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, मतलब किसी का अगर पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव कर दिया हो तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइपो फाइसेक्टोमी, ठीक है, हाइपो फाइसेक्टोमी। तो इट इज द सिचुएशन व्हेन द रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टेक्स प्लेस, ठीक है, और रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, किसी का थायराइड ग्लैंड ही ना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थायरोइडेक्टोमी। कि मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, थायरोइड, यस, हाँ, व्हेन द रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड टेक्स प्लेस तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, थायराइड थायराइड डेक्टोमी, ठीक है, थायराइड डेक्टोमी, इसको रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड की सिचुएशन को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, टायरोसिन, टायरोसिन क्या होता है, टायरोसिन इज एन अमाइनो एसिड एंड द बेस ऑफ T3 और T4 हॉर्मोन्स, ठीक है, T3 और T4 हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, थायराइड के जो हॉर्मोन्स होते हैं ये T3 T4, ठीक है, तो उनका जो बेस है वो टायरोसिन होता है, ठीक है, तो टायरोसिन, टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन, टायरोसिन इज अमाइनो एसिड द एंड द बेस ऑफ T3 एंड T4 हॉर्मोन्स, ठीक है। अब देखिए, ये काफी इम्पोर्टेंट, पेनक्रियास, पेनक्रियास को और क्या बोलते हैं, ये मिक्स्ड ग्लैंड भी होता है, पेनक्रियास क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड होता है, ठीक है, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि डिटेल में तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना, दैट्स व्हाई मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ आपको, ठीक है। सो पेनक्रियास क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड, और हिट्रोक्राइन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, विद द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट्स, इसमें दोनों ही होते हैं, इसलिए इसको, मतलब ये एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है, पेनक्रियाज जो होता है, ठीक है, और इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है पेनक्रियाज को। अब देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या बोला जाता है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, यू मस्ट नो अबाउट इट, एनीवन, या यस नेहा, यस मालविका, रुचि शर्मा, बिल्कुल ठीक, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, द अदर नेम फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड इज द, एंड द हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी आर कौन से होते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो हॉर्मोन्स सीक्रेट करता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, तो वो जो हॉर्मोन सीक्रेट करता है वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, या तो ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं उनको। और देखिए, जो थायराइड ग्लैंड होता है, इट इज होमोलोगस टू एंडोस्टाइल ऑफ द फ्लावर ऑफ द दिस जो लोअर कोर्डेट्स होते हैं ना, उनसे होमो, उनके जो एंडोस्टाइल होता है उसके होमोलोगस होता है, मतलब उसके बराबर होता है ये लोअर कोर्डेट्स की, ठीक है। इंसुलिन स्टिमुलेट्स द ग्लाइकोजेनेसिस, इंसुलिन से क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस जो होती है वो स्टिमुलेट होती है, ठीक है। और इंसुलिन किसके द्वारा सीक्रेट किया गया किया जाता है, वो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, हाँ जी कोई बताइए, यस पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज जो है वो, यस ठीक 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 है एवरीवन,
ठीक है। सो इंसुलिन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को, ठीक है। और इंसुलिन सीक्रेट किसके द्वारा किया जाता है, ये पैनक्रियाज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एड्रेलिन इज नोन एज अ ग्लैंड ऑफ ट्रिपल फंक्शन ऑल्सो, है ना, ये आपको पता है ना, ट्रिपल फंक्शन का ग्लैंड भी बोला जाता है एड्रेनलिन को, है ना। तो मैं बताती हूँ कौन कौन से ट्रिपल फंक्शन है। फर्स्ट इज फ्लाइट, सेकेंड इज फाइट FIGHT, एंड द थर्ड इज फ्राइट, ठीक है। सो एड्रेनलिन इज ऑल्सो नोन एज द ग्लैंड ऑफ ट्रिपल फंक्शन, दैट इज फाइट फ्लाइट फ्राइट, ठीक है, फ्लाइट फाइट फ्राइट, ठीक है। द हॉर्मोन सीक्रेटेड बाय सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज नोन एज कैल्सीटोनिन, विच रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। अब कई बार ये भी आ सकता है कि कैल्शियम लेवल को कौन रेगुलेट करता है बॉडी में, तो वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है। अब देखिए, द हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के जो सी सेल्स होते हैं उनके द्वारा जो हॉर्मोन सिक्रीट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कैल्सीटोनिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कैल्सीटोनिन होता है ये रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल को हमारी बॉडी में, ठीक है। कैल्सीटोनिन जो है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है। और ये जो टोनिन जो है ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा, और थायराइड ग्लैंड में भी जो सी सेल्स होते हैं उनके द्वारा ये हॉर्मोन सीक्रेट किया जाता है, कैल्सीटोनिन, ठीक है। इट रेगुलेट कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल ऑफ द बॉडी, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस ओनली वन हार्मोन, दैट इज कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेशन हार्मोन, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेशन हार्मोन, विच कंट्रोल्स स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। अब मतलब जो इंटरमीडिएट लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो प्रोड्यूस करता है सिर्फ एक ही हार्मोन और उसका नाम है मेलेनोसाइट। यस, आई एम रिपीटिंग इट। देखिए, जो इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट यस आई एम रिपीटिंग इट जो इंटरमीडिएट लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो सिर्फ एक ही हार्मोन वो करता है प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेलेनोसाइट। आई विल राइट इट हियर, ओके। कैल्सीटोनिन के बारे में तो आपको पता लग गया, अब मेलेनोसाइट, मेलेनो LANOCYTE, ठीक है, मेलेनोसाइट, ये हार्मोन क्या करता है, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेशन, पूरा नाम लिख लो इसका, स्टिम्यूलेशन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन, मैंने पूरा हार्मोन नहीं लिखा, भी MON लिख लेना, ठीक है। बोल रहे हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इंटरमीडिएट लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो सिर्फ एक ही हार्मोन स्क्रीट करता है और वो कौन सा होता है, वो होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेशन हार्मोन, ठीक है। एंड विच कंट्रोल्स द स्किन पिगमेंटेशन, स्किन की जो पिगमेंटेशन है उसको कंट्रोल करता है ये हार्मोन, ठीक है। अब देखिए, एक अगला पॉइंट है, जस्ट द नेक्स्ट पॉइंट इज एंटी डाई यूरेटिक हॉर्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन इज ऑल्सो नोन एज
नोन एज वेसोप्रेसिन। ये इनके ये जो हॉर्मोन्स हैं इनके नाम जो हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वेसोप्रेसिन, वेसो प्रेसिन, PRESSIN, IN, ठीक है। वेसो प्रेसिन, वेसो VASOPRESSIN, वेसो प्रेसिन, ठीक है। एंटी डायबिटिक हॉर्मोन इज ऑल्सो नोन एज वेसो प्रेसिन, ठीक है। एंड और देखिए एक और हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो क्या करता है उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीटोसिन को और क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को और क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन, क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन, ओके। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन, ठीक है। अब देखिए ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या सीक्रेट करता है उसके बारे में मैं बताती हूँ, अब कौन कौन से हॉर्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। सो ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ हॉर्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ये भी आया हुआ है अभी कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन कि बर्थ हॉर्मोन किसको बोलते हैं, तो ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं, ओके। देन आफ्टर दैट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या सेक्रेट करता है, तो देखिए ये TSH सेक्रेट करता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और सोमेटोसिन, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, और कोर्टी, ठीक है, और देखिए ये जो क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट आ जाएगा इसमें थायरोट्रोफिन, ट्रोपिन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन। ये मैं TSH की फुल फॉर्म बता रही हूँ, रिलीजिंग, RELEASING, रिलीजिंग हॉर्मोन, ठीक है। ये TSH की फुल फॉर्म है, TSH, ये हाइपोथैलेमस क्रिएट करता है इसको, ठीक है। और उसके बाद गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन, ठीक है, ये भी हाइपोथैलेमस ही क्रिएट करता है, ठीक है। और सोमेटोस्टेटिन जो है ये भी हाइपोथैलेमस ही रिलीज करता है, और इसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। इनके नेम्स जो हैं वो जरा ध्यान से रखना आप। पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरो न्यूरो हाइपो हाइपोफाइसिस, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। और जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स जीएच, फर्स्ट इज जीएच, ठीक है, मतलब ग्रोथ हार्मोन, या स्टेटोट्रोफिन हार्मोन भी बोल सकते हैं इसको, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, डी जीएच, और सेकेंड वाला जो है जीएच की फुल फॉर्म ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, और टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और ईसीटीएच एड्रीनो, लिख देती हूँ, टीएसएच, ठीक है, फिर इसके बाद टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीट करता है, ठीक है, एंड एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसके बाद आ जाता एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मतलब ACTH, ठीक है, एड्रीनो, ए से एड्रीनो, ठीक है, सी से कोर्टिको, ठीक है, और टी से ट्रोपिक और एच से हार्मोन, ठीक है, तो मतलब एड्रीनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन, ये भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो सीक्रेट करता है। और एफएसएच तो आपको बता ही दिया, और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और प्रोलैक्टिन एज अ मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, ओके, लग गया, मिल गया होगा जवाब, जवाब है ना, मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। देन थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं, एक तो मेन तो थायराइड